आपण बघतोय थेट ही दृश्य आहेत आणि आता राष्ट्रपतींचं अभिभाषण सध्या सुरू होणार आहे, ज्याच्यासाठी राष्ट्रपतींचा ताफा आता या संसद भवनाच्या आवारात पोहोचलेला आहे. औपचारिकरित्या त्यांचं स्वागत केलं जात आहे. त्यांचा ताफा अगदी काही क्षणांपूर्वी तिथे पोहोचलेला आहे. क्षण पश्चात राष्ट्रपती संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में. धीरे धीरे सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति साथ में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और कुछ क्षण के पश्चात राष्ट्रपति संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के भीतर होंगे, जहां वो अभिभाषण देंगे, संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे. आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और धीरे धीरे सधे कदमों से और अंदर का एक दृश्य देखा था कि किस तरीके से बेकरारी से इंतजार किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का. ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण. एक बार फिर से गवाह बनने वाला है केंद्रीय कक्ष संसद भवन का. धीमे लेकिन सधे कदमों से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति सब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़ते हुए. आप देख सकते हैं सबसे पहले हैं लोकसभा अध्यक्ष, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साथ में राष्ट्रपति और ये प्रवेश करते हुए. माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय सदस्यगण, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष में 17वीं लोकसभा
का चुनाव होने के बाद संसद के पहले संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस लोकसभा के लिए निर्वाचित सभी सांसदों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। देश के 61 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की साख बढ़ाई है। भीषण गर्मी में भी लोगों ने लंबी कतारों में खड़े हो रहकर अपना वोट दिया है। इस बार महिलाओं ने पहले की तुलना में अधिक मतदान किया है और उनकी भागीदारी पुरुषों के लगभग बराबर रही है। करोड़ों युवाओं ने पहली बार मतदान करके भारत के भविष्य निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चुनाव की सफलता के लिए सभी मतदाता बधाई के पात्र हैं। मैं लोकसभा के नए अध्यक्ष को भी उनके इस नए दायित्व के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्व के सबसे बड़े चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। चुनाव प्रक्रिया की सफलता में प्रशासन तंत्र के अनेक विभागों और विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों तथा सुरक्षा बलों का योगदान अत्यंत सराहनीय है। इस लोकसभा में लगभग आधे सांसद पहली बार निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में 78 महिला सांसदों का चुना जाना नए भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह प्रसन्नता का विषय है कि भारत की विविधताओं का प्रतिबिंब इस संयुक्त सत्र में दिख रहा है। हर आयु के, गांव और शहर के, हर प्रोफेशन के लोग दोनों सदनों के सदस्य हैं। अनेक सदस्य समाज सेवा से हैं, बहुत से सदस्य कृषि के क्षेत्र से हैं, व्यापार और अर्थ जगत से हैं, तो अन्य बहुत से सदस्य शिक्षा के क्षेत्र से हैं, लोगों का जीवन बचाने वाले मेडिकल प्रोफेशन से हैं, लोगों को न्याय दिलाने वाले लीगल प्रोफेशन से हैं, फिल्म कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले सांसदगण भी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी के विशेष अनुभवों से संसद में होने वाले विचार विमर्श और समृद्ध होंगे। माननीय सदस्यगण, इस चुनाव में देश की जनता ने बहुत ही स्पष्ट जनादेश दिया है। सरकार के पहले कार्यकाल के मूल्यांकन के बाद देशवासियों ने दूसरी बार और भी मजबूत समर्थन दिया है। ऐसा करके देशवासियों ने वर्ष 2014 से चल रही विकास यात्रा को अबाधित और तेज गति से आगे बढ़ाने का जनादेश दिया है। वर्ष 2014 से पहले देश में जो वातावरण था उससे सभी देशवासी भली भांति परिचित हैं। निराशा और अस्थिरता के माहौल से देश को बाहर निकालने के लिए देशवासियों ने 3 दशकों के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी थी। उस जनादेश को सर्वोच्च मान देते हुए मेरी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए बिना भेदभाव के काम करते हुए एक नए भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया। मैंने इसी वर्ष 31 जनवरी को इसी सेंट्रल हॉल में कहा था कि मेरी सरकार पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने
और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है। बीते 5 वर्षों के दौरान देशवासियों में यह विश्वास जगा है कि सरकार हमेशा उनके साथ है, उनका जीवन बेहतर बनाने और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए काम कर रही है। देशवासियों के विश्वास की इस पूंजी के आधार पर ही एक बार फिर जनादेश मांगा गया। देश के लोगों ने जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। मेरी सरकार जनसाधारण को इतना सजग, समर्थ, सुविधायुक्त और बंधन मुक्त बनाना चाहती है कि अपने सामान्य जीवन में उसे सरकार का दबाव, प्रभाव या अभाव न महसूस हो। देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त करना मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण की उस सोच के प्रति संकल्पित है जिसकी नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी। देशवासियों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करते हुए अब सरकार उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध और सर्वसमावेशी भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह यात्रा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना से प्रेरित है। नए भारत की यह परिकल्पना केरल की महान आध्यात्मिक विभूति, समाज सुधारक और कवि श्री नारायण गुरु के इन सद्विचारों से प्रेरित है। जाति भेदम मतद्वेषम युदुम इल्लादे सर्वरूम सोदरत्वेन बाडुन मातृ का स्थान मानित, अर्थात एक आदर्श स्थान वो है जहाँ जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर सभी लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। 3 सप्ताह पहले 30 मई को शपथ लेते ही सरकार नए भारत के निर्माण में और तेजी के साथ जुट गई। एक ऐसा नया भारत जहाँ हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों, जहाँ प्रत्येक देशवासी का जीवन बेहतर बने और उसका आत्मसम्मान बढ़े, जहाँ बंधुता और समरसता सभी देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ती हो, जहाँ आदर्शों और मूल्यों की हमारी बुनियाद और भी मजबूत बने और जहाँ विकास का लाभ हर क्षेत्र में एवं समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। यह नया भारत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के आदर्श भारत के उस स्वरूप की ओर आगे बढ़ेगा जहाँ लोगों का चित्त भयमुक्त हो और आत्मसम्मान से उनका मस्तक ऊंचा रहे। गुरुदेव के शब्दों में, चित्तो जेथा भय सुनो उच्चो जेथा शीर। माननीय सदस्यगण, हर भारतवासी के लिए यह गौरव का विषय है कि जब वर्ष 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब हम नए भारत के निर्माण के अनेक राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर चुके होंगे। नए भारत के स्वर्णिम भविष्य के पथ को प्रशस्त करना मेरी सरकार का संकल्प है। नए भारत के इस पथ पर ग्रामीण भारत मजबूत होगा और शहरी भारत भी सशक्त बनेगा। नए भारत के इस पथ पर उद्यमी भारत को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और युवा भारत के सपने भी पूरे होंगे। नए भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और ईमानदार देशवासी की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। नए भारत के इस पथ पर 21वीं सदी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे और शक्तिशाली भारत के निर्माण के सभी संसाधन जुटाए जाएंगे। इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में 21 दिन के अल्प समय में ही मेरी सरकार ने तेजी से किसानों, जवानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों के कल्याण हेतु कई फैसले लिए हैं और उन पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। साथ ही कई नए कानून बनाने की दिशा में भी पहल की गई है। जो किसान हमारा अन्नदाता है उसकी सम्मान राशि की पहुंच बढ़ाते हुए अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अपने खेत में दिन रात काम करने वाले किसान भाई बहन
60 वर्ष की आयु के बाद भी सम्मानजनक जीवन बिता सकें, इसे ध्यान में रखते हुए किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी जा सके। पशुधन किसानों के लिए बहुमूल्य है। जानवरों से जुड़ी बीमारी के इलाज में उनका बहुत पैसा खर्च होता है। इस खर्च को कम करने के लिए मेरी सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की राशि से एक विशेष योजना शुरू करने का भी फैसला लिया है। पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदार भाई बहनों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही छोटे दुकानदारों और रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लाभ देश के लगभग 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा।